फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी से राजमा पंजाबी स्टाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 प्याज को मीडियम साइज के पीस के रख लिया है, और यहाँ हमने ले लिए हैं 5 टमाटर मीडियम साइज के। तो अब यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च रखी हुई है, और 1 अदरक लहसुन का 1 चम्मच मैंने पेस्ट ले लिया है। तो ये ताज़ा पेस्ट है। तो अब जो है हमने एक तरफ कढ़ाई को रखा हुआ है, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे ये प्याज पिसे हुए। तो प्याज को हम बढ़िया से ब्राउन करेंगे, जब तक हम इसको भून लेते हैं। तो ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हल्के से। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको डालने के बाद भी हल्का सा इसको भूनेंगे बढ़िया से। तो हल्का प्याज भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालोगे तो आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बना रहेगा राजमा में। तो इसको भी 5-7 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के साथ ही। हमारी कलर आ गया, अदरक लहसुन भी डाला था हमने बीच में। तो इसी में हम डाल देंगे कुछ अपने सूखे मसाले जो घर के बेसिक होते हैं। आप राजमा मसाला वगैरह डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। इसमें डाल देंगे हम कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे यहाँ पे, मैंने राजमा में नमक पहले ही डाला हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने डालना है यहाँ मसाले के हिसाब से नमक। तो नमक डालने का याद रखें। इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें कस्तूरी मेथी। तो ये मसालों को बढ़िया से हल्का सा भून लेंगे। तो इसमें ज़रा सी हल्दी डालेंगे, हल्दी का बहुत ही कम यूज करना है राजमा में, हल्दी थोड़ी डालेंगे तभी राजमा का कलर जो है बढ़िया आएगा। तो हल्दी डालने के बाद हम इसको हल्का सा भून लेते हैं, मसाले में खुशबू आने लगी है। तो अब डाल देंगे पीसे हुए टमाटर, हरी मिर्च जो हमने रखी थी। अब जो है इसको हम बढ़िया से भून लेते हैं। तो टमाटर का पानी सूखने तक हमें मसाला भूनना है इसको बढ़िया से। तो मसाला हमारा ये बहुत बढ़िया भून गया है, देख सकते हो मसाले ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो है हम इस पे गरम मसाला मैंने यहाँ रख लिया है, यहाँ रख लिए हींग। तो हींग को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, लास्ट में डालेंगे। तो हींग जो है पानी में घोल के डालनी चाहिए लास्ट में, इसका जो फ्लेवर है वरना बना रहता है। तो अब इसको जो है इसमें डाल देते हैं। तो हींग को मैंने घोल के डाला है इसके अंदर, लास्ट में डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब जो है हम राजमा को चेक करेंगे। तो लास्ट में हम डाल देंगे इसमें ये 2 चम्मच ताजी घर की मलाई। तो इससे क्या है राजमा का थोड़ा सा ना शाही टेस्ट आ जाता है, राजमा का जो है कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो मलाई डाल के 2 मिनट भून लेंगे तेल गैस पे, और मलाई मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हो राजमा का मसाला जो है कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से हमारे राजमा लाजवाब बन जाएंगे। तो राजमा को बहुत बढ़िया से गला लेते हैं, और उसके बाद में चेक करती हूँ फिर इसको बनाएंगे। 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे इसको मलाई डालने के बाद। मलाई डालने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो बढ़िया से मलाई मेल्ट हो गई है, और अच्छे से भुन गया है मसाला हमारा। तो अब एक तरफ जो है हमारे राजमा भी बहुत बढ़िया से रेडी हो गए हैं। तो राजमा मैं आपको दिखा देती हूँ, तो राजमा हमारे बहुत अच्छे से घुल गए हैं। तो यहाँ पर मैंने राजमा लिए थे, 400 ग्राम करीब राजमा लिए थे। तो अब देख सकते हो राजमा मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो राजमा मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, तो उसको 5 मिनट राजमा डालने के बाद पकाएंगे ताकि पूरी ग्रेवी में ये मसाला चला जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मसाला डालने के बाद, मैंने जो राजमा डालने के बाद अच्छे से राजमा को पका लिया है 5-7 मिनट के लिए तेज गैस पे। तो राजमा जो हमारे बहुत बढ़िया से घुल मिल गए हैं, देख सकते हो घुले घुले राजमा हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो अब जो है लास्ट में हम इसको डाल देंगे हरा धनिया। तो राजमा हमारे बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हैं, लास्ट में जाएगा हरा धनिया। तो गैस को कर देते हैं बंद फ्रेंड्स। तो राजमा दिखाती हूँ आपको इस तरीके से बने हुए हैं ये, और देखने में जितने ही अच्छे लग रहे हैं उतने ही अच्छे ये खाने में भी हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स राजमा बनके हमारे ये बिल्कुल रेडी हैं, फर्स्ट क्लास पंजाबी स्टाइल के। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।